अभी आप देख सकते हैं मैंने ना दोनों के दोनों मैंने ऐसे बाहर रखे हैं। मैंने कहा धूप आएगी ना तो इनको धूप की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि अंदर रखोगे ना सड़ने लग जाता है, तो फटाफट से मैंने बाहर रख दिए। जैसे आएगा ना धूप ना थोड़ी देर के बाद ज़्यादा तेज़ धूप लगेगी तो इनको अंदर रख लूँगी फिर मैं ना। हे गाइज़, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भाग्यश्री उत्तराखंडी व्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। गाइज़, सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा पलक। और गाइज, आज व्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं सुबह सवेरे से। और यहाँ पे स्टार्टिंग ये करती हूँ कि आज पहली चीज़ तो ये है कि किसी का छोटा सा बेबी हुआ है। बेबी छोटा ही होता है, बड़ा तो होता नहीं ना। तो आज वो घर आने तो मैं जाऊँगी लेके, पर मैं वहाँ मतलब वीडियो नहीं बना सकती मैं, लेकिन ये जाऊँगी। और दूसरा ये है कि पहले किचन से स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले किचन में चलते हैं, चलिए, फिर उसके बाद आगे आगे की प्रोसेस हम करते रहेंगे। और आज थोड़ा खुशी हो रही है कि बेबी देखने जाऊंगी बेटी के साथ। तो मैंने जब उन मतलब उसके बड़ा बच्चा है ना, पहले लड़का बड़ा वाला है, तो मैंने ऐसे पूछा उनका उन उसका बच्चे से पूछा मैंने ना परसों, उनका बोला कि बेटा कैसे लगा बेबी, तो बोल रहा कोलू मोलू सी हुई है बेबी। बच्चे भी ना, चलिए फिर चलते हैं और पहले रसोई में चलते हैं, फिर उसके बाद आगे की स्टार्ट करते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स सुबह सवेरे का है टाइम। यहाँ पे हस्बैंड जा चुके हैं ऑफिस को, सब्जी बनाई थी आज कद्दू की और रोटी। तो उसके बाद जैसे ही अपना ऑफिस चले गए, बेटी उठी नहीं थी, मैंने कहा फिर दिन में वो करने नहीं देती है सब काम ना, तो मैंने फटाफट से यहाँ पे बना लिया है। मक्खन थोड़ा सा बनाना था क्योंकि घी ख़त्म हो गया था, और मक्खन देख रहे हो ना बना लिया मैंने, ये आ रहा है ऊपर, जो एक्स्ट्रा दूध है वो नीचे है, मक्खन ऊपर तैर रहा है, इकट्ठा करके मैंने छोड़ दिया है। तो यहाँ पे मतलब अभी सुबह सवेरे का टाइम ऐसा होता है ना कि अगर वो ना उठे तो काम सारा हो जाता है, और अगर वो उठ गई तो बस उसने तो और काम बढ़ाना है, क्योंकि बच्चे होते ही ऐसे हैं, उसको सहतानी चाहिए कहीं से भी हो जाए बस। तो इसको जल्दी से मैं वो गर्म कर लेती हूँ, मतलब घी बना लूँगी इसका, तब तक और काम देखते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड मेरे पीछे आप देख सकते हैं दोनों साइड को मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया रसोई में। क्या हुआ ना, सुबह जल्दी से वह खाना खा के चले गए थे, उसके बाद मैंने जो घी बनाया था वो मैंने फटाफट से गरम किया, वो बनाया, उसके बाद फिर मैंने मैं बता रही हूँ ना कहीं जाना था, तो फिर फटाफट से मैंने थोड़ी सूजी बनाई, गीली गीली जो मतलब नॉर्मली डिलीवरी के बाद खाने में अच्छी लगे वो बनाई मैंने। फिर हम ना ऐसे ही फटाफट से गए, क्योंकि कल मैंने इसको बताया था तो इसको याद था मेरी बेटी को कि जाना है करके, बोल रही है छोटे छोटे बाबू देखने जा रहे हैं, तो पहले ही जाके नीचे जाके बैठ गई, बोल रही है अब जाऊंगी ही मैं। तो बड़ी मुश्किल से फिर अंदर लाई, फिर उसको फटाफट से सुबह नहलाया धुलाया, फिर हम चले गए थे। जाने के बाद फिर तो जैसे ही वहाँ मतलब गए, फिर उसके बाद मैं उनको दे के आ गई पंजरी वगैरह बना के। और ये इतनी शैतान है वहाँ पे, शैतानी ही कर रही थी। तो उसके बाद आने के बाद बड़ी मुश्किल से आई वहाँ से, आने के बाद फिर अपना थोड़ा खाना खाया, फिर थोड़ी देर के बाद थोड़ा खेल रही है। तो सुबह फिर कपड़े वपड़े इतने हो गए थे, कपड़े धो के भी आ गई थी, छत पे ही मैंने सुखा रखे हैं। तो यहाँ पे ना उसके बाद पूरा क्लीन कर लिया है मैंने, देखिए, और फिर बर्तन वर्तन सारा कर लिया है, आप देख सकते हैं। वहाँ जाने के बाद मैंने आधे तो पहले करके गई थी, आधे फिर अभी आने के बाद पूरा क्लीन वगैरह करके सब कुछ साफ सुथरा हो चुका है। यहाँ पे एक चीज़ रहता है ना खरगोश का, जब ये थोड़ा इधर उधर होती है तो तभी मैं ये बकेट को खोलती हूँ, वरना वो तो इसका तो बना देगी अच्छे से। ये देखिए इसने खा खा के मुँह कितना गंदा बना रखा है अपना। इधर आ जा, बाहर निकल रहा है, आ जा फिर, चल। क्या खाया तूने हरा?
घास खाई है ना? नीनू आ रही? अच्छा चल सो जा फिर, ले पानी पी ले। और इसकी भी तबीयत कभी ठीक हो जा रही है कभी नहीं हो रही है, बच्चा ही है ना छोटा सा, ये भी परेशान हो जा रहा है, परेशान कर दे रही ना वो इसको, इसलिए अब थोड़ी देर जब तक वो सो बाहर खेल रही है तब तक ये अपना यहाँ पे अपना पानी वानी पिएगा। खाना तो उसने खा लिया, उसको आ रही नींद मुझे लग रहा, अपने आप बैठे बैठे ही सोते हैं ये, पता नहीं क्या करते हैं, आँख बंद करके बैठ जाते हैं। चलो तो फ्रेंड्स यहाँ पे दिखा रही हूँ मैं आपको बाहर का नज़ारा, तो आप देख सकते हैं आज हल्की हल्की धूप है, ज़्यादा तो नहीं हल्की हल्की, बहुत ज़्यादा क्योंकि बादल ही हैं, हल्की हल्की धूप है। और यहाँ पे मेरे छोटे से गमले में रहती है मेरी तुलसी माता, और यहाँ पे मैंने ये लगाया पेड़, तो ये लग गया पहली बार, मतलब दूसरी तीसरी बार हो रहा है कि लग गया, ठीक है, ये वाला पेड़ भी लग गया और ये वाले भी लग गया। और यहाँ पे मैंने क्या किया पता है, ये बार बार क्या हो रहा था, बारिश के छींटे यहाँ से आ रहे थे, जूते चप्पल सारे भीग जा रहे थे, तो मैंने इसके ऊपर ना पॉलीथीन डाल दी, वो जैसे छोटी छोटी पॉलीथीन इकट्ठी करके मैंने उसको सिल दिया था ना, तो वो मैंने यहाँ पे डाल दी, मैंने कहा वो काम आ जाएगा, जूते चप्पल भी अच्छे नहीं लगते बाहर खुले खुले, तो इसलिए मैंने इसके ऊपर ही इसको डाल दिया। मैंने कहा दुपट्टे वगैरह डाल दूँ ना, दुपट्टे तो अंदर भी कितने सारे लग जाते हैं, कभी खरगोश के लिए चाहिए कभी किसी चीज़ के लिए, मैंने इसलिए पॉलीथीन डाल दी। और अभी देखो फिर से जैसे हल्की धूप आ रही थी ना, अभी फिर से मौसम ख़राब होने को हो गया है, और 4-5 दिन से लगातार कभी बारिश कभी धूप, कभी बारिश कभी धूप हो ही रहा है यहाँ पे। और